As you can see, यहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिखता है और वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा हो गया तो हिमालयन रेंज। अभी हम लोग भी टेम्पल आए थे तो ये अपने छोटे सब्सक्राइबर मिले हुए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बानरवाला। इट्स अ डे 3। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वही धारनवाला वाला मेन रूट है, वहाँ से थोड़ा सा गाड़ी जो मेन है वो चेंज करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आप फास्ट फॉरवर्ड इन्जॉय करो। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अल्मोड़ा से, धारनवाला से। तो अब बानरवाला वाला रूट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो अभी थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है, तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड देखो। सो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं बानर देवी पे और ये इसका मेन गेट है। यहाँ से ऊपर को जाना है और आपको सबसे अच्छा व्यू दिखाता है यहाँ से। आज पूरा क्लाउड बिल्कुल नहीं है, तो एज यू कैन सी पूरी हिमालय की रेंज दिख रही है इधर से। तो आई डोंट नो, ये इनमें से कोई त्रिशूल पर्वत भी है और हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो उनमें से एक है ये। तो भाई, यहाँ से टॉप में आने में यही अच्छा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो ये मेन गेट है इधर पे, और लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था इधर पे, कि ये इधर पे दुकान थी बस। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ट्रैक करते हैं। बेसिकली यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर का ऊपर का ट्रैक है। तो ये इसका प्रवेश द्वार। तो यहाँ से धीरे धीरे करके अब तो खैर अच्छा रास्ता बन गया है, सीमेंटेड है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारे स्टेट का फ्रूट है, काफल जिसे बोलते हैं, जो बेरीज होती हैं उनके यहाँ पे, मतलब घने डेंस फॉरेस्ट है इधर पे। तो यहाँ से लोग, गांव वाले जो है यहाँ पे से काफल लेते हैं, मतलब मास लेवल पे, और अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी जैसी जब मार्केट में उसे बेचते हैं तो एक तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट होता है और उनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो भाई, आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया है और अभी थोड़ा सा डाउन जैसा आ रहा है ये रास्ता, देखो। सो ये जो टॉप है यहाँ पे है मंदिर, और एज यू कैन सी ये पूरे गांव पूरा डेंस फॉरेस्ट है ये यहाँ पे। तो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे गांव उधर, और वो जो वाली माउंटेन्स रेंज देख रहे हो वो मुक्तेश्वर वाली है। ये जो जिस रूट से अभी हम आए वहाँ से डायरेक्ट जाके आप मुक्तेश्वर से लिंक हो जाती है रूट, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप। बट ये कि भाई, यहाँ ट्रैक करने का अपना अलग ही मज़ा है। तो बस थोड़ा सा ही रह गया मंदिर। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं मेन टेंपल पे। तो यहाँ पे भी नवरात्रि की वजह से मैं, मतलब काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से अल्मोड़ा से ही। तो अभी अंदर चलते हैं हम लोग। गाइस, अभी हम लोग दर्शन कर लेते हैं, आप लोग तब तक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे।
एक मंदिर है ना नीचे, हाँ। नन बनड़ी बोलते हैं वहाँ पे, अच्छा। वहाँ पे इसके पैर हैं माता के, तो हम फिर इसको स्थापित करा गया यहाँ। अच्छा, माता को, तो मतलब माता का सर यहाँ पे है, हाँ। और जो उनके पाँव हैं, पाँव नीचे वाले। सो गाइस, आप लोग को यहाँ पे दर्शन हो गए होंगे थोड़ी, जो हमने आरती करी वो, और जैसा कि पंडित जी ने बताया यहाँ पे कि जो माता का सर है वो यहाँ है, और जो उनके चरण है वो एक नान बनड़ी करके एक मंदिर है। एंड आई एम श्योर आप लोग को सिनेमैटिक शॉट पसंद आए होंगे, और यहाँ पे काफ़ी यू नो यहाँ यज्ञ वज्ञ करने का और नवरात्रि में से सेलिब्रेट करने का काफ़ी अच्छा बन गया है इधर पे। पहले ये पूरा प्लेन था, और जैसे टाइल्स वाइल्स है काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया है टेम्पल। अभी हम लोग भी टेम्पल आए थे तो ये अपने छोटे सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, और ये लोग भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते, तो आप लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो ये भी फैमिली के साथ आए हुए अपने, तो कैसा लग रहा है आपको? आप तो रेगुलर आते हो? ये रेगुलर आते, मैं अराउंड 5-6 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। चलो, थैंक यू। सो गाइस, ये जो आला टेंपल का मंदिर द्वार दिख रहा है आपको, तो ये बैक साइड वाला है, यानी कि यहाँ से गांव वाले इधर से जाते हैं, और जिस रूट से हम भी आए थे मेन रोड वही है, वहाँ से भी आ सकते हैं, और ये आला रूट भी वहीं कनेक्ट होता है रोड में ही, मेन रोड में। और यहाँ से व्यू देखो गाइस कितना मस्त है, उधर हिमालय आपको आई होप दिख रहे होंगे, तो कुछ ऐसा है भाई। टॉप में आने का यही फ़ायदा होता है, यहाँ से पूरा व्यू मतलब दूर दूर तक दिखता है आपको, और स्पेशली अगर क्लाउड क्लियर हो तो। जहाँ पे अभी एक भंडारा लग रहा है, खाना वाना जैसे आप देख ही रहोगे कि पूरा कवर कर दिया है, बाउंड्री बना दी है, और काफ़ी अच्छे से डेवलप कर दिया। पहले बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पे, पूरा ऐसा ही ग्रास वाला मैदान था। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिखता है, और वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा हो गया तो हिमालयन रेंज थोड़ी सी अब फॉग हो गई, घर पर तो दिख नहीं रही है, बट और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा और इधर से मुक्तेश्वर साइड पूरा दिखता है। So that's it for today's video guys, if you like this video please give a thumbs up and don't forget to hit the like button and don't forget to hit the subscribe button and press the bell notification on so you'll get the notification when I'll upload the video and jald milte hain meri ek aur nayi video mein, till then stay safe, keep riding and love you all guys। Khair riding to aajkal ho nahi rahi, aajkal traveling hi ho raha hai, chalo milte hain jald ek aur nayi video mein।